प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज काफी समय से स्वामी लीला शाह महाराज जी के प्रवचनों का पाठ कर रहा हूं। आशा है कि उनके प्रवचनों को सुनकर हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश हो और हम भी सनातन धर्म की ओर ज्यादा अधिक तेजी से चल पाए। आज के सत्र में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 18 अप्रैल 1965 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में स्वामी लीला शाह महाराज जी का किया गया प्रवचन है। टॉपिक है मेरे तेरे का भेद मिटाओ। तो शुरू करते हैं। बच्चे को भूख लगती है तो दुग्धपान करना चाहता है। माता किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसे खिलौने आदि देकर उसका मन दूसरी ओर लाना चाहती है। बालक खिलौने लेकर उन्हें चूसने लगता है, परंतु उसे स्वाद नहीं आता, न ही उसकी तृप्ति होती है। अतः खिलौने फेंक कर रोने लगता है। तब माता अचानक उसे सीने से लगाकर उसे दूध पिलाती है, तृप्त करती है। ठीक इसी प्रकार जब हम भी दुनिया के विषय रूपी खिलौनों का त्याग कर परमात्मा के प्रति तड़फ रखेंगे, तब हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होगा तथा सच्ची तृप्ति मिलेगी। विवेक व वैराग्य। जिज्ञासु को विवेक व वैराग्य की आवश्यकता है। जिस प्रकार पक्षी को उड़ने के लिए पंख आवश्यक है तथा उनके बिना उड़ नहीं सकता, वैसे विवेक व वैराग्य रूपी पंखों द्वारा ही जिज्ञासु आत्मरस को प्राप्त कर सकता है। विवेक द्वारा ही मालूम होता है कि सत्य क्या है तथा असत्य क्या है। वैराग्य असत्य का त्याग व सत्य की प्राप्ति करवाता है। विवेक के कारण संसार की चीजें असत्य प्रतीत होती हैं, इसलिए उनसे घृणा होती है तथा सत्य वस्तु प्राप्ति के लिए मन में रुचि पैदा होती है। जीवन मुक्ति की मौज। मन को जब विकार घेर लेते हैं तब डुलायमान होता है। मन के भीतर रति मात्र भी लोक वासना मत रखो, ब्रह्म में लीन रहो। यदि जगत को असत्य मानेंगे तो फिर वासनाएं कैसे। यदि यह देह ही हमारी नहीं रहेगी तो फिर यह हलचल किस लिए। सभी बातों का हर्ष शोक छोड़ देना चाहिए, स्वयं को सच्चित आनंद स्वरूप समझना चाहिए। मन सदैव आत्मा में मगन होना चाहिए, जैसे चलते फिरते खाते पीते ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आए। सदैव तत्व का विचार करो, दूसरी सब वृत्तियाँ छोड़ दो, अपने आप में मगन रहो, अपने आप से अहंकार निकाल दो, किसी को भी अलग मत समझो। साई सूरत एन की, साई सूरत गेन, सुमन नुक्ता दूर करो तो रहे एन की एन। दुई दूर करो कुछ और नहीं, तुम साधु बनो कोई चोर नहीं, तुम शांत करो कुछ चोर नहीं। सब में आत्मा की ज्योति देखो, आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। सदैव आत्मरस पीकर स्वयं को तृप्ति करो। आशा महला 5 शब्द 22 में आया है। पहला, हर रस छोड़ पूछा ही रस माता, घर में वस्त्र बाहर उठ जाता। यह जी हरि नाम की रस छोड़कर विषयों की तुच्छ रस में मस्त रहता है। हरि परमात्मा उसके हृदय में है, परंतु वह उसे बाहर ढूंढने जाता है। दूसरा, सुनी न जाय सच अमृत कथा, रार करत झूठी लग गाथा। वही सच्ची अमृत रूपी कथा सुनता नहीं है, परंतु झूठी कहानियों में लगकर वह बकवास करता है। तीसरा, वज साहब का शेब बरानी, ऐसी गुण है अच्छादव प्राणी। उसे साहब की ओर से प्यार मिलता है, परंतु दूसरों की सेवा करता है, ऐसे गुनाहों में ही जीव ढका पड़ा है। चौथा, तिस्सा लूक जो सदही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी। यह जीव परमेश्वर से सब कुछ पाता है, जो कि उसका साथी है। जो दुनिया के पदार्थ काम नहीं आते वे बार बार मांगता है। कह नानक प्रभु दीन दयाल, जीव जीव भावे त्यु कर प्रतिपाल। साहब निवेदन कर कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, जैसे चाहो वैसे मेरी देखभाल करो। अर्थात सब में आत्मा की ज्योति देखो। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये ईर्ष्या के ख्याल मन से निकाल दो, यही तो दुख का कारण है। सभी जीव प्राणियों को संदृष्टि से देखो, मेरा तेरा यह दृष्टि बंधन रूप है। वह कौन सा देश है जिसमें तुम नहीं, कौन सी वस्तु तुम्हारी नहीं है। सब में तुम व्यापक हो, तब कौन सी चीज़ तुम्हारी नहीं हुई। ज्ञानी पुरुष को तो यही मस्ती है, इसी मस्ती में ही वह दिन रात मगन रहता है। किसी में भी ममता की दृष्टि नहीं रखते, आचार व्यवहार में वे सदैव न्यारे रहते हैं। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो वह सब माया का खेल है। जैसे स्वप्न में हाथी घोड़े शेर कीड़ आदि देखते हो, परंतु तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, तुम ही वह अनुभव कर रहे थे। दृश्य में भी तुम तो, दृष्टा में भी तुम थे, तुम ही साक्षी जगमग सबको प्रकाश करने वाली ज्योत हो। यह जगत स्वप्न समझो, नाम रूप को ही जगत कहते हैं। नाम रूप ही माया का खेल है, जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मेरा तेरा रूपी दृष्टि दुख रूप समझ, अपने आप में मगन रहो। यह जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा तब मन अपने आप से क्षीण हो जाएगा तथा कोई भी वासना नहीं रहेगी। तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु तो देह का धर्म है, सुख दुख सूक्ष्म शरीर के धर्म है। तुम स्वयं को सबका साक्षी मान, ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकी लगाता रहे। मनुष्य देह तुम्हें इसलिए मिली है कि अपने आप को पहचान सके। जैसा ही ज्ञानी पाण अथे कीमत संदोकतरो, ऐसा जानकर भ्रम को नष्ट करके अजर अमर बन। तुम ही स्वयं को स्वयं ही दुखी कर रहे हो। यह द्वेष की मनोवृत्ति निकाल दो तो फिर तुम्हारे चारों ओर आनंद ही आनंद झलकता रहेगा। चींटी से लेकर हाथी तक सब प्राणियों में वह ज्योति दिखाई देगी। जब समता आएगी तब ममता अपने आप से स्वयं ही दूर हो जाएगी। ममता गई तो फिर वह अहम भाव दूर हो जाएगा तथा चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगेगा।
समता ही ब्रह्म है। जब मन भोगों को तुच्छ समझेगा तथा उसे मां आनंद का रस आएगा तो फिर आनंद के पीछे क्यों दौड़ेगा। भेद में चंचलता तथा भय रहता है, चंचल मन द्वेत ही देखता है, इसलिए रात दिन उस मन को छोटे बच्चे की भांति बार बार समझाओ। यदि देखो कि मन विषय विकारों की ओर दौड़ता है तो भोगों के दोष उसके सामने रख दो, उसे समझाओ कि ऐसा करने से अनेक दुख प्राप्त होते हैं। मन विषयते रोकियो शम तु ही कैल सुधीर, इंद्रिय गुण को रोकियो तम बख बदवीर। मन को विषयों से रोकने को शम कहते हैं तथा सभी इंद्रियों अर्थात ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने को दम कहते हैं। मन को शम व दम की साधना से दूर रख, उसे समझाओ कि ऐसा करने से कैसे न मनुष्य के बल बुद्धि तेज व आयु क्षीण होते हैं। उसे समझाओ कि भोगों में सुख नहीं है, सुख है अपने भीतर। तुझो तो मज आहे राम छोप्यो देहजा डूंगर डोरी ने टुब्बी लह टोल एन अंदर जो खोल। मन को जो सुख प्रतीत होता है वह पदार्थों में नहीं है मगर आत्मा में है। आत्मा नित्य चेतन अक्रिय विनाशी है तथा अनात्मा अनित्य जड़ क्षणिक व विनाशी है। मन जब अचल होता है तभी शांति प्राप्त होती है, अतः उसे बार बार समझाओ, छोड़ मत दो। ये न करे राड़ ये न ज्ञान कुंडा गत मारी। बच्चों की भांति उसे समझा समझा कर आत्मा में लगाओ कि हे मन तू ऐसा दुखी हुआ है फिर भी नहीं समझते हो, अब तो भटकना छोड़ दो। मन में अशुद्ध संकल्प कभी भी मत आने दो। जैसे चौकीदार सदैव पहरा देता रहता है वैसे तुम भी सदैव होशियार रहो कि कहीं विषय विकार रूपी पानी मन रूपी नाव में आकर नाव को डुबो ना दे। अशुद्ध संकल्प ही अशांति का कारण है। जितने नए नए संकल्प करोगे उतना ही मन चंचल रहेगा तथा दुख दुखी होंगे। भोग वासनाओं को बढ़ाने से मन प्रबल होता है, भोग वासना छोड़ने से मन स्थिर होता है। भोला बाबा जी कहते हैं ये भोग सारे दुखदा आपत्ति के भंडार है, मूढ़ भोगासकत है, पशुतुल्य पूर्ण गवार है। जब तक रहेंगे लिप्त भोगों में नहीं सुख पाएंगे, मरते रहेंगे जन्म थे चिरकाल दुख उठाएंगे। सत्शास्त्र भोला पढ़ पड़ा सदा सत्संग में जा, नित्य रहे आसक्त मत भोग में कर सूक्ष्म निर्बल चित्त रहे। मन शुद्ध देता मोक्ष है यह वेद का सिद्धांत है, कर शुद्ध मन निशंक कह अब चित्त मेरा शांत है। सभी भोग दुख रूप समझो उनसे मन को हटाओ, मन को समझाओ कि हे मन अचलता में ही तेरा सुख है, बाहर तुझे सुख नहीं मिलेगा। अंतर्मुखी सदैव सुखी बाहर मुखी सदैव दुखी, जैसे केले का पेड़ देखो उसके छिलके उतारते जाओ तो छिलकों के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। वैसे ही सारा संसार असार है, जैसे मृग तृष्णा के जल में अर्थात रेगिस्तान के पानी में मृग अपने आप को नष्ट कर देता है, वैसे ही संसार के भोग हैं। कुत्ते को हड्डी मिलती है उसमें कुछ नहीं होता है, फिर भी वह उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके मुँह से रक्त ना निकल जाए, वह उसे चूसता रहता है। उसे ज्ञान ही नहीं होता कि मैं अपना ही रक्त चूस रहा हूँ। ऐसे ही विषय पदार्थ समझो, मन को समझाओ कि हे मन विषय पदार्थों के भोग में तुम संकोच क्षीण कर रहे हो। हे मन भोगों की इच्छाओं ने ही तुम्हें गुलाम बनाया है, ब्रह्म आनंद का मजा छोड़कर नरक में गोती लगा रहे हो, नित्य आनंद को तुमने छोड़ दिया है। जन्म लेते समय रो रहे थे, मरते समय भी रोते रहोगे, अब भी रो रहे हो। जगत की जमीन जायदाद और दूसरे पदार्थों के लिए रो रहे हो, उनको या तो तुम छोड़ दोगे या वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तू तक गाफिल गोता खाएंगे अंत समय पछताएंगे, भक्त कबीर साहब भी फरमाते हैं जब जब आए केस गह पटके ता दिन कुछ ना बसाएगा, समरण मजन दिया नहीं कीने ती मुख चोटा खाएगा, धम राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, कह कबीर सुनो रे साधु साथ संगत तर जाएगा। यह देह ही तुम्हारी नहीं है तो फिर तू दूसरे पदार्थों में सुख कैसा। इस प्रकार जब मन को समझाते रहोगे तब विषय विकारों की ओर मन दौड़ेगा ही नहीं, फिर जब विषय विकारों की ओर मन दौड़ेगा ही नहीं तो मनमूर्तियाँ अपने आप क्षीण हो जाएंगी तथा फिर परम सुख और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। मनोनाश वासना क्षय तत्व ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।